हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल टू अनदर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आई एम अनुराग मोहन भटनागर, अ फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट। अब फिफ्थ ईयर में आ चुके हैं हम, अ फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, एंड यू आर वॉचिंग लॉ के पाई। तो भाई, हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में जैसे कि आप सबको पता है कि हम पुराना बैकलॉग जो है हमारा, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें आगे चलते हुए हम डिस्कस करेंगे 21 से 30 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। ठीक है, काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी रैप अप हो जाए। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आती रहेंगी अब जब तक क्लैट 2023 ख़त्म नहीं हो जाता, और उसके आगे भी। ठीक है, तो क्लैट में जीके और करंट अफेयर सेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज़ की। तो भाई, आईआईटी दिल्ली ने एक एमओयू साइन किया है पीओएस ओसीओ के साथ, जो कि आरएनडी कंडक्ट करेंगे इंडिया के पावर सेक्टर पे। ठीक है, तो एनआरएलडीसी जो है, नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है पीओएस ओसीओ। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली ने एक एमओयू साइन किया है टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरएनडी यही होता है। ठीक है, जो भी सारे इश्यूज हैं रिलेटेड टू द इंडियाज पावर सेक्टर, उस पर ये पर्टिकुलर अपनी आरएनडी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि इंटरेक्शन को ये स्ट्रॉन्ग बना सके बिटवीन द एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंडिया का पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 हो चुकी है गुजरात में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये सबसे पहली समिट कराई है। इट्स फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। ठीक है, महात्मा मंदिर गांधीनगर में हुई थी ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 20 अप्रैल से 22 अप्रैल, 3 दिन चली थी। ठीक है, और इसमें लेटर ऑफ इंटेंट्स आए हैं काफ़ी सारी कंपनीज के। लेटर ऑफ इंटेंट्स होते हैं कि भाई कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक है। ठीक है, वो अपनी इंटेंशन दिखा रही है, तो लेटर ऑफ इंटेंट्स आए हैं इनके पास, और 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर समिट में। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और आयुष जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी उनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म ये है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज की। तो वो है एनएससी आईएफएससी लिमिटेड ने लॉन्च कर दिया है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म गिफ्ट सिटी में। ठीक है, गिफ्ट सिटी इज द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, इसके बारे में सबने सुना होगा, गांधीनगर में है ये, गुजरात में एग्जैक्टली। ठीक है, और इसके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है उसमें इन्होंने एक अपना इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट ESG प्लेटफॉर्म। ठीक है, ESG होता है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जो कि फैसिलिटेट करेगा लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म है, इसलिए इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। मुंबई को मिल गया है इंडिया का पहला डिजिटल बस सर्विस विद टैप एंड टैप आउट फैसिलिटी। ठीक है, जो आदित्य ठाकरे हैं, महाराष्ट्र स्टेट टूरिज्म एनवायरमेंट एंड प्रोटोकॉल मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे। ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट करा था इंडिया का पहला डिजिटल बस सर्विस विद टैप इन टैप आउट फीचर। ठीक है, विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग द डिजिटलाइजेशन ऑफ द बस टिकटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू मेक ट्रैवलिंग अक्रॉस मुंबई ईजियर। ठीक है, अब इस सर्विस से पैसेंजर विल हैव टू टैप इन हिज चलो स्मार्ट कार्ड और द चलो मोबाइल ऐप इन द फ्रंट ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड एट द एंट्रेंस। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट कार्ड होता है, उसको आप टैप इन कर दो तो भाई आपके पैसे अपने आप कट जाएंगे उस पर्टिकुलर कार्ड से, जैसे कि मेट्रो में होता है। ठीक है, तो उस फैसिलिटी को आदित्य ठाकरे ने इनॉग्रेट करा था मुंबई में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिए हैं DAP 2020 टू प्रमोट मेक इन इंडिया इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इसके ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल्स अकॉर्डेड बाय DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूवल देती है। तो जो DAP 2020 है वो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, उसको अमेंड कर दिया है टू प्रमोट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। ठीक है, तो जैसा कि सबको पता है भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भरता की बहुत ही बढ़ावना की है। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए अब जो डिफेंस बजट है उसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा का एक्विजिशन किया जाएगा विद इन इंडिया। ठीक है, ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 3 डिफेंस सर्विसेज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड विल बी मेट इंडिजिनियसली। ठीक है, विद इन इंडिया, हम कहीं बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल नॉट हैव टू फर्निश इंटीग्रिटी पैक बैंक गारंटी फॉर एक्विजिशन कॉस्टिंग मोर देन 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ से जब भी ज़्यादा का आप बैंक गारंटी एक्विजिशन चार्ज करते थे तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बैंक गारंटी देनी पड़ती थी। ठीक है, जब भी आप एक्विजिशन चार्ज करते थे विच वुड अमाउंट टू मोर देन 100 करोड़,
उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बैन गारंटी देनी पड़ती थी, अब वो नहीं देनी पड़ेगी इंडियन कंपनीज को। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगरा को मिल गया है कंट्री का पहला वैक्यूम बेस्ड सुअर सिस्टम। ठीक है, द सिटी ऑफ आगरा इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट वैक्यूम बेस्ड सुअर। दीज वैक्यूम सुअर्स विल बी प्लेस्ड इन पब्लिक एरियाज। ठीक है, इनको पब्लिक एरियाज में लगा जाएगा, इनका मेंटेनेंस और कंप्लीट केयर की जाएगी फॉर अप टू 5 ईयर्स, और ये की जाएगी बाय अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ नेदरलैंड्स। ठीक है, सबसे पहले दिस वैक्यूम सुअर इज एक्सपेक्टेड टू बी डिप्लॉयड इन कोची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन केरला आफ्टर अ सक्सेसफुल ट्रायल इन आगरा। ठीक है, आगे चलते भाई। महाराष्ट्र ने अप्रूव कर दिया इंडिया का पहला जीन बैंक प्रोग्राम फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो कैबिनेट है जिसको हेड करते थे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, अब उद्धव ठाकरे इज मोर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बट ये पुरानी न्यूज है, तो इसलिए उन्होंने अप्रूव किया था इंडिया का पहला महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोग्राम। ठीक है, इसका एम था टू इंश्योर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर पास्ड ऑन टू जनरेशंस विद द बजट सपोर्ट ऑफ रुपीज 172 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है महाराष्ट्र का, उसको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सस्टेन और आगे जाके बढ़ाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं अब। तो भाई इंडिया का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट इज द थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, यूएस ने टॉप किया है, ये एक सीपरी रिपोर्ट है। सीपरी इज द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है। ठीक है, सबसे पहले लाइन में लिखा है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है जिसका टाइटल दिया है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021। ठीक है, इसमें इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो आया है $76.6 बिलियन। ठीक है, ये थर्ड हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। पहला इज यूएसए, सेकेंड इज चाइना, थर्ड इज इंडिया, फोर्थ इज यूके एंड द फिफ्थ इज रशिया। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसका डेटा इज बेस्ड अपॉन द अपडेटेड सीपरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस विच प्रोवाइड्स मिलिट्री स्पेंडिंग डेटा बाय कंट्री फॉर द ईयर्स 1949 से लेके 2021 तक के डेटा के बेसिस पे इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फिनलैंड के जो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर है मीका लिंटिला, उन्होंने विजिट किया था इंडिया टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये फिनलैंड के इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने डिस्कस करे थे कोऑपरेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इनके साथ एक इनके अंडर सेक्रेटरी भी आए थे और पूरी की पूरी टीम थी विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ फिनलैंड। और इनका ये पहला विजिट था इंडिया का। ठीक है, ये आज से पहले कभी इंडिया नहीं आए थे, बट ये इनका पहला विजिट था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। UNCCD GLO2 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड विल बी डिग्रेडेड बाय 2050 इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू। ठीक है, तो यूएन की ये रिपोर्ट है जिसका टाइटल है ग्लोबल लैंड आउटलुक सेकंड एडिशन, लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस। ठीक है, UNCCD जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये एक पर्टिकुलर बॉडी है जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने ये बोला है कि भाई आज का जैसा माहौल है, वो आज के जैसे ट्रेंड्स हैं, वो अगर चलते रहे तो 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड विच इज 11% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस विल बी डिग्रेडेड बाय 2050। ठीक है, उसमें कोई फर्टिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, और वो लैंड कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो डिग्रेडेशन होगा लैंड का, इससे क्या होगा, इससे सीवियर क्लाइमेट इंड्यूस डिस्टर्बेंसेज होंगे विच विल रिजल्ट इन डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड सप्लाई, फोर्स्ड माइग्रेशन एंड इंक्रीज स्पीसीज एक्सटिंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। थोड़ी बैंकिंग की न्यूज़ की बात करते हैं आप, थोड़ी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, RBI के डायरेक्शंस आए हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पे। इन्होंने 98th क्वार्टरली iOS 2022 टू असेस बिजनेस सेंटिमेंट लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है कि RBI जो है उसके पास कुछ पर्टिकुलर पावर्स हैं एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो उसके कुछ सेक्शन हैं विच इज सेक्शन 35A और सेक्शन 56। ठीक है, और RBI का एक खुद का एक्ट भी है जिससे वो पर्टिकुलर पूरी बॉडी गवर्न की जाती है, उसको RBI एक्ट कहा जाता है। ठीक है, 1934 में ये एक्ट बना था। तो इन पर्टिकुलर पावर्स के चलते इन्होंने इशू करा है RBI क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस 2022, और ये 1 जुलाई 2022 से विद इफेक्ट हो चुकी हैं, मतलब इफेक्ट में आ चुकी हैं। तो मतलब अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस इफेक्ट में आ चुकी हैं। ठीक है, अब इन डायरेक्शन में बोला क्या गया है, तो NBFCs जो हैं वो अंडरटेक नहीं ले सकते क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस का विदाउट द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द एपेक्स बैंक। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो होती हैं NBFCs, ठीक है, उनको वो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस अपना नहीं कर सकती जब तक वो RBI से प्रायर अप्रूवल नहीं ले रहती।
ठीक है, ये पर्टिकुलर मोटी मोटी चीज बताई है इन पर्टिकुलर रेगुलेशन में, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, भीम यूपीआई बिकम्स ऑपरेशनल एट न्यू पे टर्मिनल इन द यूएई, ठीक है। एनपीसीआई का है भीम यूपीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया है कि भीम यूपीआई इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट्स हैज गॉन ऑपरेशनल एट न्यू पे टर्मिनल अक्रॉस द यूएई, ठीक है। अब यूएई में भी भीम यूपीआई चलेगा, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये पर्टिकुलरली इंडियन टूरिस्ट को बहुत एम्पावर करेगा, क्योंकि भाई अब उनको वापस जाके कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूएई की करेंसी में, ठीक है। तो भीम यूपीआई से वो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते भाई, लार्सन एंड टोब्रो ने कोलैबोरेट किया है विद आईआईटी बॉम्बे टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र को रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाइड्रोजन, अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन को जब प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, तब जो हाइड्रोजन बनती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है इसका कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता, ठीक है। इसलिए इट इज प्रमोटेड वाइडली, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने लार्सन एंड टोब्रो के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, थोड़े अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं अब। तो भाई जो हमारी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है ACC, उन्होंने अपॉइंट किया है इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी को एज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ये राजीव कुमार को सक्सीड करेंगे, ठीक है। और ये May 1, 2022 से इंचार्ज हो जाएंगे ऑफ द नीति आयोग, ठीक है, एज द वाइस चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और राजीव कुमार को ये सक्सीड करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इमैनुअल मैक्रन जो है फ्रांस के प्राइम प्रेसिडेंट, सॉरी, उनको सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। इन्होंने अपने जो काउंटर पार्ट थे इनके, ले पेन, उनको डिफीट कर दिया है, ठीक है। इनकी जो पार्टी है उसका नाम है द रिपब्लिक ऑन द मूव, ठीक है। इस इंग्लिश में इसका इसको ये बोलते हैं द रिपब्लिक ऑन द मूव, ठीक है। रिपब्लिक ऑन द मूव पार्टी गॉट री इलेक्टेड एज द फ्रेंच प्रेसिडेंट आफ्टर डिफीटिंग हिज फार राइट राइवल मरीन लेपेन इन अ रन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। ये 24 अप्रैल 2022 को इलेक्शन हुआ था, ठीक है। मेकिंग मैक्रन द फर्स्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट टू गेट री इलेक्टेड इन द लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, थोड़ी स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की बात करते हैं अब। तो UNEP ने नेम कर दिया है सर डेविड एटनबोरो को एज द रिसिपिएंट ऑफ चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। UNEP ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है UNEP, ठीक है। उन्होंने इंग्लिश नेचुरल हिस्ट्री ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरलिस्ट डेविड एटनबोरो को अवार्ड दिया है ऑफ द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021। और इनकी जो कैटेगरी थी जिनको अवार्ड मिला है वो है ऑब्वियसली लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी फॉर इज डेडिकेशन टू रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स रेस्टोरेशन, ठीक है। आगे चलते भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जीता है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मुंबई में, ठीक है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 फॉर इज सेल्फलेस सर्विस टू द कंट्री एंड सोसाइटी, ठीक है। ये कैटेगरी जरूर याद रख लेना भाई, क्योंकि इस साल इनको तो ऑब्वियसली बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, तो भाई कैटेगरी याद रखनी जरूरी है, क्योंकि कैटेगरी कई बार पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये अवार्ड जो कन्फर्म किए गए हैं इनको, ये हुआ है 80th एनुअल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स जो सेरेमनी हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 का 23rd एडिशन आ चुका है, ठीक है। इसको अनाउंस किया गया था ओवर अ डिजिटल सेरेमनी ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम सेविल स्पेन, ठीक है। स्पेन से इसका ब्रॉडकास्ट हुआ था, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन जो है F1 ड्राइवर है, ये एक बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर है, और जमैकन ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉमसन हेरा हैव वन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 एंड लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन कौन कौन अवार्ड ये जीता है इसको जरूर याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इंडिया ने सिक्योर किए हैं अ टोटल ऑफ 17 मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। ये जो चैंपियनशिप हो रही थी ये हो रही थी मंगोलिया में, ठीक है। इन विच इंडियन रेसलर सिक्योर्ड अ टोटल ऑफ 17 मेडल्स, इसमें 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया के इकलौते वो है रवि कुमार दहिया, ठीक है। ये मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, थोड़े इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं आप। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2022 ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का ये दिन है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने मतलब इसको कमेमोरेट किया है, इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब
ऑन 22 अप्रैल टू ऑनर द अर्थ एंड द कंसेप्ट ऑफ पीस, ठीक है। और इसकी जो थीम है इस साल की वो है इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, वर्ल्ड मलेरिया डे 2022 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली टू हाईलाइट द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ठीक है। और इसकी जो 2022 साल की थीम है वो है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जो कि हम मई की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1st से लेकर 10th मई की वीडियो जल्दी ही लाएंगे हम अपने YouTube चैनल पे, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।